हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, आज की हमारी ट्रेन जानकारी कोटा जंक्शन से हिसार जंक्शन की ओर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की है, जिसका ट्रेन नंबर 19813 है। यह ट्रेन वाया जयपुर, सीकर, चूरू, सादुलपुर होकर चलती है। यह ट्रेन कोटा जंक्शन से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार व शनिवार को रात के 11:50 पर रवाना होती है और हिसार जंक्शन अगले दिन 11:40 पर पहुंचती है। यह ट्रेन 19 होल्ट के साथ 568 किलोमीटर की दूरी 11:50 में पूरा करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड कोटा जंक्शन से हिसार जंक्शन के बीच 48 किलोमीटर पर आवर की है। यह एक्सप्रेस टाइप ट्रेन है जिसको वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह ट्रेन LHB रेक के साथ चलती है और इस ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड क्लास, जनरेटर कार व SLR कोच लगे हुए हैं और इस ट्रेन का लोको रिवर्सल 2 जगह पर किया जाता है। पहला सवाईमाधोपुर जंक्शन पर, दूसरा चूरू जंक्शन पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रेन कोटा जंक्शन से हिसार जंक्शन के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकती है और उनका अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या रहता है। यह ट्रेन कोटा जंक्शन से सप्ताह में 3 दिन सोमवार, गुरुवार व शनिवार को रात के 11:50 पर रवाना होती है और इस ट्रेन का फर्स्ट होल्ट लाखेरी रेलवे स्टेशन पर है। यहाँ पर यह ट्रेन 12:33 पर पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 12:35 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर 12:48 पर पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 12:50 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सवाईमाधोपुर जंक्शन पर रात के 2 बजे पहुँचती है। 20 मिनट के स्टॉप के बाद 2:20 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 2:39 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 2:41 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन इसरदा रेलवे स्टेशन पर 2:55 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 2:57 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन बंसथाली निवाई रेलवे स्टेशन पर 3:15 पर पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 3:17 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सांगानेर रेलवे स्टेशन पर 4:16 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 4:18 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर 4:24 पर पहुंचती है। 3 मिनट के स्टॉप के बाद 4:27 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन जयपुर जंक्शन पर 4:50 पर पहुँचती है। 10 मिनट के स्टॉप के बाद 5 बजे रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन चोमू सामोद रेलवे स्टेशन पर 5:26 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 5:28 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन रिंगस जंक्शन पर 5:49 पर पहुंचती है। 3 मिनट के स्टॉप के बाद 5:52 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन पलसाना रेलवे स्टेशन पर 6:12 पर पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 6:14 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सीकर जंक्शन पर 6:50 पर पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 6:55 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन पर 7:22 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 7:24 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन पर 7:40 पर पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 7:42 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन रामगढ़ शेखावाटी रेलवे स्टेशन पर 8:06 पर पहुंचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:08 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन चूरू जंक्शन पर 9:15 पर पहुंचती है। 15 मिनट के स्टॉप के बाद 9:30 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सादुलपुर जंक्शन पर 10:25 पर पहुंचती है। 5 मिनट के स्टॉप के बाद 10:30 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन शिवानी रेलवे स्टेशन पर 11:00 पहुँचती है। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 11:02 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप हिसार जंक्शन पर 11:40 पर पहुंचती है। आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई कोटा से चलकर हिसार की ओर जाने वाली ट्रेन की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी एक नई
ट्रेन इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए बाय।